आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग तेज हो। सामान्यतः हमारे मस्तिष्क का केवल 5-8% भाग ही काम करता है, सक्रिय रहता है। शेष भाग सुस्त अवस्था में रहता है, जिसमें अनंत ज्ञान, असीम संभावनाएं छिपी रहती है। इस भाग को सक्रिय रखने के लिए हमें कुछ खास किंतु आसान से नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर हम अपने सुस्त मस्तिष्क को सक्रिय कर पाए तो हम बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आइए कुछ आसान से घरेलू उपाय को बता रहा हूँ, जिसे आप सभी निश्चिंत ही अपना दिमाग तेज कर सकते हो। विद्यार्थियों को तो इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे अपनी पढ़ाई में उन्हें अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। ब्राह्मी जो है दिमागी शक्ति बढ़ाने का बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी है। इसका नित्य एक चम्मच यानी कि रोज एक चम्मच सेवन करने से बहुत ही लाभ होता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ती है। दिमाग काम के ज्यादा बोझ के बाद भी थकता नहीं है। बादाम हमारे दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाता है। 5 बादाम को रात में पानी में भिगो दीजिए। सुबह उनके छिलके उतारकर उन्हें बारीक पीस कर उसका पेस्ट 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध में 2 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से मिलाकर ग्रहण करें। कोशिश करें कि इसका सेवन करने के लगभग 1 घंटे तक कुछ भी ना खाए। इसके रोजाना सेवन से थोड़े ही समय में आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। 10 बादाम को रात में पानी में भिगोकर सुबह उसका छिलका उतारकर इसे 10 ग्राम मक्खन और 10 मिश्री के साथ मिलाकर लगातार खाने से दिमाग बहुत तेज हो जाता है। भूलने की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अखरोट का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त बहुत ही तेज हो जाए तो आप रोज अखरोट का सेवन करें। हमारे दिमाग की संरचना बिल्कुल अखरोट की तरह ही होती है। हमें नित्य 20 ग्राम अखरोट 10 ग्राम किशमिश के साथ चाहिए। इससे दिमाग तेज होता है, हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन गर्मी में इसका प्रयोग कम करना चाहिए। अदरक, जीरा और मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस ले, फिर सुबह शाम दिन में 2 बार दूध के साथ इसका सेवन करने से याददाश्त कमजोर नहीं पड़ता। अलसी का तेल हमारी स्मरण शक्ति को और एकाग्रता को दोनों को ही बढ़ाता है। इसके सेवन से दिमाग बहुत ही सक्रिय हो रहता है। अलसी एक तेल का नियमित रूप से सेवन करने से मस्तिष्क संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होती। छात्रों और दिमागी काम करने वालों को इसे अवश्य ही लेना चाहिए। दालचीनी जो कि घर में कभी भी अवेलेबल रहता है, हर रोज रात को सोते समय 10 ग्राम दालचीनी के पाउडर को शहद में मिलाकर चाट ले और फिर कुछ भी ना ले। इससे दिमाग की कमजोरी दूर होती है, काम में मन लगता है, याददाश्त भी बढ़ती है। काली मिर्च, प्रतिदिन 6-7 काली मिर्च में 25-30 ग्राम मक्खन और मिश्री मिलाकर खाने से भूलने की बीमारी दूर होती है, दिमाग तेज रहता है, कुछ भी चीज आराम से आसानी से याद हो जाता है। आंवले का मुरब्बा, सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाने से दिल और दिमाग दोनों को ही ताकत मिलती है। दिमाग को तेज करने के लिए 1 चम्मच आंवले का रस 2 चम्मच शहद में मिलाकर उसका सेवन करें। इससे भूलने की बीमारी दूर होती है। गुलकंद, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स लोगों को गुलकंद को नित्य दिन में 2-3 बार खाना चाहिए। इससे भी स्मरण शक्ति तेज होता है, पढ़ा हुआ सब याद रहता है। पालक,
स्मरण शक्ति या दिमाग तेज करने के लिए पालक सर्वोत्तम आहार माना जाता है। पालक में विटामिन B9, जिसे फोलेट या फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B9 के अलावा पालक में विटामिन B2 और विटामिन B6 भी पाए जाते हैं, जो हमारे दिमाग को बेहद सक्रिय बनाते हैं। पालक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो मस्तिष्क के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हमारी स्मरण शक्ति एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मन काम में लगता है, हमें मानसिक थकान भी नहीं होता। पालक में विटामिन ए के ई सी तथा जरूरी खनिज जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि भी पाए जाते हैं, इसलिए नियमित रूप से पालक का सेवन करें। लेकिन जिन लोगों को गुर्दे की पथरी अथवा गुर्दे की कोई भी बीमारी है, उन्हें पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं के पौधे का रस, स्मरण शक्ति के लिए गेहूं के पौधे का रस भी बहुत लाभदायक होता है। इसको कुछ दिनों तक पीने से भूलने की बीमारी दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। डार्क चॉकलेट, जो सबका मन पसंद होता है, डार्क चॉकलेट यानी भूरे रंग का चॉकलेट से भी स्मरण शक्ति तेज होती है, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है। लेकिन इसे कम ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादा सेवन करने से वजन बढ़ता है। जामुन, दिमाग तेज करने के लिए गर्मी के दिनों में जामुन का भी अवश्य ही सेवन करना चाहिए। जामुन में आपकी स्मरण शक्ति तेज करने के लिए पूरी क्षमता होती है। इनमें फिसेटिन पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको पिछली बातें या पढ़ी हुई सुनी हुई सब बातें याद रह जाती हैं। घी से मालिश, अगर किसी को लगता है कि उसका स्मरण शक्ति कमजोर हो रहा है, उसका काम में मन नहीं लगता है, तो गाय के घी से सिर पर कुछ दिनों तक मालिश करवाइए। इसे फिर से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी और आप बहुत दूर तक सोच सकोगे, दूर तक जा सकोगे। उड़द की दाल, रात को उड़द की दाल को भिगाकर सुबह उसे पीस ले और फिर उसे दूध में मिश्री मिलाकर खाए, इससे भी दिमाग बहुत तेज होता है। गाजर का हलवा, अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए सर्दियों में शुद्ध घी में बना गाजर का हलवा खाना चाहिए। समय समय पर गाजर के हलवे का सेवन करने से दिमाग की कमजोरी समाप्त हो जाती है। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, इसके सेवन से हमारी आंखें, दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। गाजर के नित्य सेवन से हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत बनती है और याददाश्त बढ़ाने के लिए गाजर नित्य सेवन करना चाहिए। तिल स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सहायक माना जाता है। तिल और गुड़ को मिलाकर इसका तिलकुट्टा बनाकर नित्य सेवन करने से याददाश्त बढ़ती है। मुलेठी के नित्य सेवन से बुद्धि तेज होती है। पढ़ने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र इसका उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए, इससे पढ़ा हुआ सब कुछ याद रह जाता है।